आज के वीडियो में एक आज के सिनेरियो का बहुत ही जरूरी चीज है जो कि मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं, और नॉट ओनली विद चिल्ड्रन विद बट विद पेरेंट्स ऑल्सो आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट टॉपिक। वो टॉपिक आज के सिनेरियो के लिए बहुत ही जरूरी है, और ये मुझे मालूम है इस टॉपिक को बहुत ज्यादा लोग, ये पहली बात तो वीडियो कम देखेंगे, दूसरा जो देखेंगे वो भी पूरा नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ाई के लिए, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हो और कुछ मतलब आगे भविष्य में करना चाहते हो और अच्छे बच्चे आप हो, तो आप, मुझे मालूम है, आप ये वीडियो पूरा स्किप नहीं करेंगे और पूरा अच्छे से देखेंगे। जो भी मैं बात बताने जा रहा हूं आज के सिनेरियो में बहुत जरूरी है, और वो क्या है, दिस इज अबाउट ऑनलाइन क्लासेज एंड ऑनलाइन टेस्ट। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं, ऑनलाइन आज के दिन क्लासेज हो रही है ड्यू टू COVID-19, ऑनलाइन टेस्ट लिए जा रहे हैं, स्कूल टीचर, आपके सब्जेक्ट टीचर सारे के सारे बहुत मेहनत से अपने क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद करेक्शन भी कर रहे हैं। लेकिन जो कमी हो रही है, जो मैं सेटिस्फाई नहीं हूं जिन चीजों से, वो मैं आज यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। जिस तरह से मैं क्लास लेता हूं, जिस तरह से टेस्ट लेता हूं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि बच्चे का मेरे को आइडिया लगे कि बच्चे को क्या समझ में आ रहा है। लेकिन जब वहीं पे गड़बड़ हो जाती है, बच्चा कहीं से देख करके या चीटिंग करके टेस्ट दे रहा है, या बच्चा उस टेस्ट को सीरियस नहीं ले रहा है, या बच्चा ऑनलाइन क्लास के अंदर सीरियस नहीं है, तो ये सब चीजें बहुत ही खराब हैं। और अगर बच्चा इस तरह से करेगा तो वो आगे आने वाले टाइम के अंदर उसके लिए काफी नुकसानदायक होगा। तो इसलिए आज का ये वीडियो मैं उन पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जितना बच्चों के लिए है। अगर कोई बच्चा, आपका बच्चे का टेस्ट हो रहा है, तो दिस इज योर ड्यूटी टू इन्विजिलेट दैट चाइल्ड ड्यूरिंग दैट टेस्ट टाइम। जब टेस्ट हो रहा हो, पेरेंट्स आप उसके पास में बैठिए और ध्यान रखिए कि वो बच्चा सही से आराम ईमानदारी से टेस्ट कर रहा है, क्योंकि बच्चे के अंदर इतनी नॉलेज नहीं होती। हालांकि मैं 9 to 12 के बच्चों की खासतौर पर बात कर रहा हूँ, वो समझदार होते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्यों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अगर मौका मिले तो चीटिंग कर लेते हैं। पता नहीं वो अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं, टीचर्स को, अपने दूसरे अपने जो कुलीग्स होते हैं उनको दिखाने के लिए कि मेरे देखो कितने मार्क्स आए, लेकिन उन मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं इन फ्यूचर में। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, जो भी क्लासेज हुई हैं उसके बारे में आपने अगर नॉलेज गेन करी है उतना टेस्ट में लिखिए। चीटिंग करके 20 out of 20 लाने से अच्छा है 0 लेके आना बिना चीटिंग करे ईमानदारी से, ताकि आपके टीचर को ये पता लग सके कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आप 20-20 लेके आ रहे हैं सब लोग, तो टीचर विल सेटिस्फाई कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन जब फाइनल एग्जाम होगा तो आपको कुछ भी एक्चुअल में आता हुआ होगा नहीं। तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, टीचर की नहीं है, क्योंकि आपने उसको बताया ही नहीं कि आपको क्या आता है। तो यहाँ पे मैं टीचर की तरफ से तुम्हें जो बता रहा हूँ वो तो अपनी तरफ से करते हैं जो भी करना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी मिस्टेक हो रही है तो वो या तो स्टूडेंट्स की तरफ से हो रही है या उनके पेरेंट्स की तरफ से हो रही है। घर के अंदर जब बच्चा टेस्ट देता है, ऑनलाइन टेस्ट देता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्टूडेंट के ऊपर है, क्योंकि 9 to 12 स्टूडेंट बहुत छोटे भी नहीं होते, और उनको अपना भला बुरा समझना चाहिए और चीटिंग करके नहीं देना चाहिए, ईमानदारी से दीजिए। मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू नॉलेज की है। आप क्लास ले रहे हो, क्लास लगा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, स्कूल से ऑनलाइन क्लासेज ले रही हो, नॉलेज के लिए ले रहे हो। अगर आपको नॉलेज नहीं गेन हुई तो मार्क्स जो आप चीटिंग करके लेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए कभी भी ऑनलाइन टेस्ट के अंदर बिल्कुल भी चीटिंग मत करिए, चाहे मार्क्स कितने भी आए, क्योंकि अगर आप चीटिंग करते हैं तो उन चीजों का कोई भी फायदा नहीं, बल्कि आपको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और आप खतरे में हो, आपका फ्यूचर खतरे में है। तो इसलिए मैं आज यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स भी ध्यान दें, अगर कोई बच्चा कर रहा है तो आप उसको रोकें। अगर बच्चे को खुद को अगर समझ में आ रहा है, अगर नहीं कर रहा है, तो ज्यादातर मेरे को मालूम है लगभग 80% बच्चे ईमानदार होते हैं, उनको मालूम है कि मेरा फ्यूचर क्या है। लेकिन 20% ऐसे बच्चे होते हैं, उनको स्कूल के अंदर तो हम लोग उनको समझा लेते हैं, एक दो बार पकड़ते हैं तो वो डर के मारे नहीं करते, लेकिन अब उनके पास थोड़ी सी चॉइस ज्यादा हो गई है और वो नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में उन बच्चों के पेरेंट्स की ड्यूटी है कि ड्यूरिंग दैट टेस्ट दे सिट अलोंग विद देम एंड वो देखें कि कोई भी गड़बड़ ना होने पाए। तो आज के वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा हूं कि बच्चों को फ्यूचर का ब्राइट बनाने के लिए हम टीचरों के साथ साथ में आप पेरेंट्स का भी उतना ही योगदान है, और उतनी ही आपको भी केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ये मेरी बात याद रखिएगा,
थैंक यू सो मच।